ठीक है, ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, इसको स्मूथ कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं दूसरा वेक्टर उठा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे से छोटे से बड़े की हो रहा है, तो अपन इसको बिल्कुल जीरो से नहीं लेंगे, बट थोड़ा गैप लेके चलेंगे, ठीक है ना। जी अब यहाँ पे ये जिग जैग सा आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जिग जैग से है ऑप्शंस। ये देखो ये ऐसा है, जिग जैग जिग जैग। तो इसके लिए क्या है, आप एक वेक्टर बनाओ, ये हमने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। और इस वेक्टर में हम क्या करते हैं, इसका मिडिल के जो विड्थ है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है आपका, राइट। जी ये ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। हो सकता है कोई नीचे हो कोई ऊपर हो, ठीक है। ये थोड़ा सा उसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। ये और नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे, इस तरीके से हमने कर लिया। बट ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये देखो क्या है, नीचे स्मूथनेस से आ रहा है आपका। ये वाला हिस्सा तो क्या होगा, ऑब्वियसली से आपका स्मूथनेस होगा। तो यहाँ पे क्या करके देखते हैं अपन एक बार, ठीक है। और ये बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा इससे, ठीक है, इस तरीके से। देन ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लिट ऑप्शन एक बार यूज करके देखो, क्या फ्लिट काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको स्मूथ करना पड़ेगा। सर फ्लेट काम क्यों नहीं कर रहा, छोटी शेप है इसलिए। हाँ, छोटी, बहुत ज्यादा छोटी शेप है इसलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इरर ऑफ द फ्लिट मेक श्योर रेडियस इज नॉट टू लार्ज एंड द इन लाइंस ऑफ द पैरेलल। हाँ, जी तो वो चीज के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनुअली बना लेंगे। तो सिलेक्ट कर लो सबको, स्मूथ कर दिया एक बार में, ये स्मूथ हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको थोड़ा बहुत, अब यहां से क्या है, इनको सेट करा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। कोई ऊपर कोई अप डाउन, राइट ना, कभी जी भी इक्वल थोड़ी होती है। हाँ, नहीं सर, वो तो छोटे बड़े होते हैं। ये ले लिया, ठीक है। बट साइड से अपना क्या है कि ये वाली जो चीज को अपन इस तरीके से रख लेते हैं, चाहो तो इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लो। ये कर दिया हमने, तो यहां से क्या होगा, ये इस तरीके से राउंड हो गया, ठीक है ना। एक पर्टिकुलरली वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। 3D व्यू में आइएगा, टू रेल शेप, कोई सा भी डिजाइन हो आप याद रख लेना, सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले भी बताया यूज होते हैं ये, ठीक है। सिलेक्ट कराओ जी इसको और यहाँ से क्रॉस सेक्शन मार दिया मैंने, आ गया ना वही चीज। जी ये देखो अब ऊपर से देखो क्या है, बिल्कुल कॉर्नर आ रहा है, ये देखो। तो ऊपर से कॉर्नर ही है वो, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर ही है, ये देखो। चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्मूथनेस भी है, ठीक है। कहे चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत स्मूथनेस भी है, तो जब सबको ना करके अपन किसी को थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेते हैं हम लोग। इसीलिए हमने क्या बनाया, रूलर बनाया, कि उससे हम, इसीलिए हमने उसको एडिट भी किया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाएगा उससे, ठीक है ना। जी अब देखो अब हो गया ऑटोमेटिकली, देखो स्मूथ भी हो गया आपके और कॉर्नर भी रह गया आपके, ये देखो आ गया बराबर। अब ये कितनी हाइट पे चाहिए आपको, ठीक है। ये हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पे जेड मॉड्यूलेशन में आओ आप, ठीक है। ये आपका 1 mm है, ठीक है। आप इसको कर दीजिएगा 4 mm, ठीक है। बहुत रहेगा, 4 mm तो ज्यादा हो रहा है आपका, ठीक है। इसको कर दो 2 mm, ठीक है। ये काफी है हमारा डेप्थ, ठीक है। ये देखो तो कहीं पे अप एंड डाउन हाँ जी ऑटोमेटिकली वो चीज आ गया बराबर, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, जी ये होगा हमारा। अभी एक सिंपल सा हिस्सा हुआ है, ठीक है। तो इसका 1 by 1 पार्ट आप देखते जाओ, आपको करता जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी छोटे से ही पार्ट में है, ठीक है। और देखो सबका क्या है, ये सबका ये एक जैसा नहीं है राहुल, ये टूल पाथ सबका एक जैसा नहीं, सबका अलग अलग है। हाँ, तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। जी तो क्या करते हैं अपन, सबसे नीचे इसको एक ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है, ये रख लिया।
और यहाँ पर फिर वही इतना ही हाइट का अपन बना रहे हैं क्योंकि हमने ये लिया है, तो कुछ भी हो सकता है आपका छोटा बड़ा। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब एंड, हाँ, जो एंड पॉइंट है ना, वो एंड पॉइंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना बस। ओके ठीक है सर। इस तरीके से हमें कुछ को छोटा कर लेंगे। जैसा जिसके एंड पॉइंट उठे हुए होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब वो एक साइड से ऊपर उठ के बनेगा। हाँ, वो उठ के आएगा, अच्छा इफेक्ट नहीं देगा वो अपना। देखो अपने को क्या चाहिए राहुल, अपने को चाहिए ऐसा, मतलब एंड पॉइंट इसका, मतलब बॉटम से तो स्टार्ट हो ना कम से कम, ये बॉटम से आ रहा है हमारा, तो वो ऊपर खाली हो रह जाएगा और नीचे स्टेट चला जाएगा वो। अच्छा, अगर हमें किस कहीं मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है उसके नीचे, तो वहां पर कर सकते हैं वो चीज। हाँ, वो चीज कर सकते हो, कितना लेके चल रहे थे हम, चार, ये देखो आ गया चार, ये देखो बिल्कुल एकदम सही। तो ये तो, ये आप जितना बनाओगे उतना था आप, सर, हाँ जी कितना था राहुल, 2 mm था शायद, 2 mm था क्या, ठीक 2 mm, 2 mm। है। हाँ जी, हाँ 2 mm, ये देखो ठीक है, ये देखो आगे ना वही वाली जी शेप आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक हाँ जी जी है, ये हुआ, अब इसके ऊपर ये वाली चीज आएगी, अब इसको बनाओ। हाँ ये दूसरी लेयर में बनाएंगे हम उसी लेयर में बना लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर है कि आप उसी लेयर में बनाना चाहते हो या अलग लेयर में बनाना चाहते हो। अच्छा, इफेक्ट सेम होगा। इफेक्ट तो सेम आएगा आपका, वहां पे अच्छा अपने को मर्ज हाई यूज करना पड़ेगा बस। ओके लेयर वाइज बनाने का फायदा ये है कि हम कभी भी उसे डिलीट करके दूसरा चेंज करके बना सकते हैं कुछ। हाँ, एडिट कर सकते हैं हम किसी भी टाइम, ठीक है ना। जी अब ये देखो यहां से तो उठा होगा, फिर यहां पे देखो खाली है, बीच में लंबा गैप है, ये देखो ये एक दो लंबे गैप है जी इसमें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से इतना उठा दिया, अरे ये उठा दिया, राउंड किया इस तरीके से किया, ठीक है। यहाँ पे अब अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट, देन इस तरीके से, मतलब कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी चॉइस है इसमें। हाँ, जी ठीक है, अब नीचे वालों को पकड़ के स्मूथ कर देते हैं अपन, ये स्मूथ कर दिया हमने, ये आ गया। अब ऊपर वाले को, इन दोनों को भी क्या कर देंगे, अब हम स्मूथ कर देंगे क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग स्मूथ है, ये कर दिया, ठीक है। अगर आप ये कॉर्नर भी छोड़ दोगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पे आप चलाओगे बॉल नोज बराबर, जी वो बॉल अपने नोज आप राउंड कर देगा। वो अपने आप राउंड कर देगा, ठीक
ठीक है। अब हम एक नई लेयर लेते हैं, जैसे आपने बोला मर्ज हाई करके काम करते हैं नई लेयर पे आगे, ठीक है। टू रियल स्टेप लिया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और यहां से क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये ऐसा कैसे आ रहा है, सेम डायरेक्शन नहीं है, ये देखो आया कि नहीं आया उसके ऊपर ऑटोमेटिकली, जी ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट टू हाइट कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर दो इसको 3 mm, ठीक है। ये देखो छुप गया उसके अंदर, ये देखो हाँ जी ये थोड़ा सा रह गया, तो इसको अपन सेव सही कर लेंगे, ये देखो ये आ गया, अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया। अब ये नीचे वाला रह गया तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, टॉप व्यू में आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेते हैं कर्व टूल लेते हैं, क्या लेते हैं कर्व टूल, और इसको हल्के हाथ से क्या करेंगे, इसको अंदर की ओर डाल देंगे, बराबर ना। जी लेयर को सिलेक्ट कराओ, लेयर नंबर वन को हाँ सर, अगर सेम लेयर पे होता तो ये कर नहीं सकते थे ना? कर नहीं सकते थे, फिर इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ता अपने को, इसकी हाइट जो है अच्छा ना हमें हाँ 3 लिया, इसको 3.5 या कुछ ऐसे करके चलना पड़ता, तो वहां पे थोड़ा सा अपने को ज्यादा। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आपको नजर आने लग जाएगा, ये देखो फेस का हिस्सा, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो तो हिस्सा है ना, ये वाले जो पार्ट है, ये आपके बनेंगे बाद में, क्यों, क्योंकि पहले आपका फेस बनेगा अब आपका, ठीक है, फेस का हिस्सा बनेगा अब जी आपका। तो जी अब फेस का हिस्सा कैसे बनेगा देखो, ये तो सिर्फ एक ब्लॉकिंग चल रही है अभी आपकी, फिनिशिंग नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, याद रखना। जी जैसे अपन मैक्स में करते हैं ना सेम ओके हाँ जी वही फंडामेंटल यहां पे जाएगा, मैक्स में सर दोनों तरफ के व्यू चाहिए होते हैं, हाँ फ्रंट दोनों साइड के लेफ्ट बनने चाहिए, दोनों साइड के, बट इसको साइड व्यू से अगर कोई बनाने वाला जैसे जिसको एक्सपीरियंस है ना वो बना सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैक्स में बना सकता हाँ। ये तो साइड व्यू एक सिंगल व्यू है सर है, हाँ सिंगल व्यू बना सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को फ्लैट ही डिजाइन चाहिए, ठीक है। ये बन जाएगा मॉडल, वैसे 3D मैक्स में भी बन जाता है, बट वही थोड़ी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब इसको जी ये थोड़ा ऊपर आएगा हिस्सा, तो एटलीस्ट इसका यहां से यहां तक तो रखेंगे हम लोग, देन यहां से राउंड लो, ये राउंड आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। देन यहां से क्या करो आप इसको अंदर की ओर निकाल दो, क्योंकि ऊंचाई तभी पता पड़ेगी ना अपने को जब अपन पूरा ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, तो ज्वाइन कर दिया। अब यहां से क्या कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करके क्लोज विद स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट कर दिया, इनको आप सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, कहां कहां पे स्मूथ चाहिए मुझे वो स्मूथ कर लेते हैं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, ये हमारा यहां तक बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक नई लेयर ले लो फिर से, सबसे टॉप में मर्ज हाई करेंगे, मर्ज हाई करने के बाद यहाँ पे शेप, देखो क्लोज वेक्टर है तो ऑब्वियसली सर मैं थिंक कर सकता हूँ कि मैं क्या यूज करूंगा, शेप एडिटर, शेप शेप एडिटर जी एडिटर में राउंड शेप यूज करूंगा, ये देखो आपको यहीं पे पता चल जाएगा शेप का, ये देखो क्या बोलते हो, है जी जी सर ना। अब क्या है, ये थोड़ी सी उठी हुई होती है यहाँ से, ठीक है, तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर एंगल और दे देते हैं अपन, ठीक है, ये एंगल दे दिया हमने, ठीक है, ये चीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मूथनेस कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट स्केल टू हाइट में आ जाओ, ठीक है, इसको कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 7 10 mm देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो व्यू आएगा, ठीक है। तो इसको कम से कम आप 10 mm दोगे तब जाके ये कहीं अच्छा व्यू दिखाई देगी एक आपको, ये देखो बराबर, ये देखो आ रहा है इस पे शेप जी आपका, और थोड़ा बड़ा कर लो,
है, वैसे अपन इसमें और अभी ऑब्जेक्ट्स डालने पड़ेंगे अपने को, फिर भी अपन इसको थोड़ा और बड़ा करके फिर बाद में इस बार क्लियर पे है तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बनाने के लिए एटलीस्ट इसको यूज करें। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो क्या है, ये हिस्सा ना, यही हिस्सा यहाँ पे नीचे रह गया जबकि ये इसके लेवल में आएगा ये वाला, बराबर। हाँ जी ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ जा रहा है, कम हो गया ना इधर। जी तो पहले तो क्या करो, देखो यहाँ पे ये कुछ हिस्से जो आ रहे हैं, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करना है अपने को, लेवल में लाना है। तो लेवल में लाने के लिए स्मूथनेस कराओ आप, ठीक है, और यहाँ से स्मूथिंग ब्रश को बढ़ा दो। ठीक है, इस तरीके से चलाओ इसको ब्रश को। ओके और यही इसका एक रूल है, यही एक इसका ऑप्शन है कि आपको ये जो पार्ट है स्मूथ टूल से ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, और कोई इसका वो नहीं है। ठीक जी सर। है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, ये ना इसके सर में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन, कर्व टूल लेंगे, लेयर नंबर वन पे आ जाओ। ठीक है, लेयर नंबर वन पे आगे टॉप व्यू में आओ और यहाँ पे क्या कराओ, इनको थोड़ा सा आप दूर से हल्के हाथ से इसको क्या कराओ, कम कराओ। सर और कुछ होता है क्या ऑप्शन, ऊपर से ऐसे टेपर हो जाए थोड़ा, अगर मैं ऑप्शन अगर या टूल होता हो कोई विदाउट स्मूथनेस और इनके थ्रू ही कर कर्व सकते टूल के। हैं, स्मूथनेस और इनके थ्रू ही करना पड़ता है अपने को इसको। ठीक ओके सर। जैसे सर कुछ हमारे फसाड़ होते हैं कहीं कहीं से डाउन मर्ज करने पड़ता है, तो वो सिर्फ कर्व और यही यूज करना पड़ेगा वहां पर भी। कर्व, स्मूथ, डिपॉजिट, ये सारी चीजों से करना पड़ेगा अपने को। हाँ अच्छा सर, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड के हाँ लिए।
जी सर। इस साइड से अपन क्या करेंगे, इसको पतला कर देंगे, इसको जितना पतला करते हुए चले जाएंगे उतना ये चीज लेवल में आती हुई चली जाएगी, और यहाँ पे ये चीज का डेप्थ आ जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिकली आप पर। अब अपना ये एंगल बहुत ज्यादा जा रहा है, इसका एंगल को कम करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं नॉर्मल, ये देखो इतना रख दिया बस बस ठीक है, थोड़ा सा और कर सकते हो अप्लाई कर, ये कर दिया। उसके बाद देखो इसको सेलेक्ट करा हुआ, और इसको भी क्या करना है इसी तरीके से एंगल लेना है, अभी इसमें भी एंगल बहुत ज्यादा है, इसको भी एंगल कम कराओ क्योंकि यहाँ पे चिक्स का हिस्सा बन रहा है, ये बहुत है इसको यहाँ पे अपने आप डेप्थ आ जाएगी आपके पास, देखो धीरे धीरे चला रहा तो उसमें मर्ज हो गया ना, देखो ऑटोमेटिकली। जी सर। तो ये है कि आपको चलानी पड़ेगी, ये बिना चलाए आप नहीं कर सकते इसको, यहाँ पे ये इसके लेवल में उठ के आ जाएगा, ये देखना। ये इसका नोज का हिस्सा निकल जाएगा यहाँ पे, ये हिस्सा डंप हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका, ये देखो और चलाओ इसको, लाते रहो। इस तरीके से चला लेते हैं थोड़ा, बस उसको छोटा चला कर लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको स्मूथ कर लेते हैं। देखो अब निकल के दिखने लगे ना इसका चिन का हिस्सा इधर से, कंडीशन यही है राहुल, देखो चलाना पड़ेगा आपको, बिना चलाए आपका काम नहीं बनेगा। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, इस तरीके से चला रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चला रहा हूँ, भागा नहीं रहा ब्रश को। तो क्या करना है इसका, देखो आंख का हिस्सा है यहाँ पे देख लो, बट इस आंख के हिस्से को देखो कैसे बनेगा, ये सीधा कटेगा और कुछ नहीं होगा इसमें, यहां से कटेगा इस तरीके से कटेगा, ये बस, और इसमें से एक आईबॉल निकल जाएगी। अब एक नाक का पार्ट भी बनाई लो आप, कल वाला वीडियो मिल गया था ना आपको? जी सर। अब यहाँ पे क्या होता है थोड़ा राउंड होता है इस तरीके से, देखो यहाँ तो थोड़ा सा क्या करो यहाँ से खींचो ये वाला, तो थोड़ा यहाँ से खींचो ये वाला,
जैसे हर वीडियो का अलग लिंक होगा क्या आपका? हाँ इसमें कह रहा मेरा वो ड्राइव भर गया यार। अच्छा वहीं पे उसी चैनल में आपको हर वीडियो मिल जाएगी आपको। कैसे चल दिया अब क्या करेंगे, पहले हम इसको काटेंगे क्योंकि इसको काटने से वो वाली चीज उठ जाएगी। ठीक है तो शेप एडिटर में आएंगे और यहाँ पे ठीक है इसको क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको राउंडनेस कराओ आप। देखो कटा कुछ हिस्सा, ठीक है ये इतना ही ऐसे ही कटेगा आपका, बट इसका एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल ज्यादा हो। ठीक है काम करो इसको कम करके, ठीक है और इसको लिमिट को हाइट कर दो, ये फ्लैट कर दिया मैंने। ठीक है फ्लैट कर दिया, अप्लाई कर दिया और कैंसिल करो। अब क्या करना पड़ेगा टॉप व्यू में आ जाओ। ठीक है टॉप व्यू में आने के बाद अब हम क्या करेंगे ब्रश टूल को छोटा करेंगे, ठीक है ओपेसिटी को कम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे इसको स्मूथ करेंगे, ये भी स्मूथ होगा, इतना हार्ड थोड़ी होता है। ये देखो कुछ धीरे धीरे आ रहा है शेप, ये देखो। अब राहुल क्या करो इसको पकड़ो, इस वाले को ना, और इसको थोड़ा और अंदर ले लो और इस वाले को फैला दो थोड़ा सा, ये इसको फैला दिया हमने थोड़ा सा। ठीक है अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट मारेंगे। ठीक है अब क्या होगा ज्यादा अंदर गया, ये देखो कोई दिक्कत नहीं जाने दो, हमें चाहिए भी यही था। ठीक है अब इसको दोबारा से स्मूथ कराओ आप, ये देखो इधर से नोज का एक हिस्सा दिखने लग गया आपको, इधर से देखो ये नोज का एक हिस्सा दिख रहा होगा, देखो छोटा सा, इसको करते जाओ ये स्मूथ होता जाएगा, ऊपर आता चला जाएगा, ये देखो ये आ गया। ठीक अब क्या करो यहाँ पे एक आईज का हिस्सा दिख रहा है ये वाला, अब ये आईज का हिस्सा कैसे कट दिखेगा देखो, अगर अपन इसको देखे तो यहाँ से ये अपना इस तरीके से आईबॉल है अपना, तो ऐसे बनेगा आईबॉल। ठीक है तो यहाँ पे तो सीधा खड़ा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या है साइड एंगल पे अपने को बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है ये अपने बनाया, इसको सीधा सीधा सिंपल बना दो आप, ठीक है राउंड कर दो, ठीक है ऐड कर दो, ठीक है ये ऐड कर दिया। ठीक है इसको चाहो तो और थोड़ा पीछे ले लो, ठीक है बट इसको एंगल में डाल दो, इसको इस एंगल में, ठीक है तो अप्लाई कर दिया और इसको कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको ना इधर अंदर की साइड, ठीक है ये देखो ये थोड़ा सा आपको ये नजर आने लग गई, बस दैट्स इट। यहाँ पे क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ना मर्ज कर देंगे, यहाँ से ब्रश को थोड़ा छोटा कराओ
और यहाँ से इसको मर्ज कर दो, तो मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, उसमें फ्लैट हो जाएगा तो वो चीज दिखाई नहीं देगी आपको। थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ पे मर्ज कर दो इसको, इस तरह से। ये आपका आईज का हिस्सा निकल गया, ठीक है। अब नोज का पार्ट है, ये वाला थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे इसको, देखो ये हमने इसलिए क्या किया, इसका एक वेक्टर बनाया, और अब हम क्या करते हैं, इसको शेप एडिटर में आते हैं, ठीक है, इसको राउंड शेप दे देते हैं, और देखो ये ऑटोमेटिकली आपका उठ गया राउंड, ये देखो उठ गया ना बराबर, ये देखो। बस अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया, करने के बाद इसको क्या करते हैं अपन, वही स्मूथनेस में आ जाएंगे, देखो अपने आप आपकी नोज आने लग जाएगी बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से बस आपको स्मूथिंग पार्ट को बढ़ा दो आप, थोड़ा सा ये स्मूथ करने लग जाओ आप। यहाँ पे अपन हार्डनेस रखेंगे, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे डेप्थ डाल देंगे, बस ये वाले हिस्से पे आ जाओ, इस तरीके से स्मूथ कर देते हैं। राहुल आ गया, देखो डेप्थ आ गया ऑटोमेटिकली, ये देखो एक नोज का डेप्थ आ गया, देखो अपने आप ठीक है। अब क्या है, इसमें जो लिप्स वाले दिख रहे हैं ना, ये लिप्स आपके यहाँ तक आ रहे हैं, देखो यहाँ तक, ठीक है। तो ये लिप्स अपने को बनाने पड़ेंगे, बट लिप्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको स्मूथ कराओ यहाँ से, ठीक है। अब लिप्स कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे आओ, और सिंपल सा लिप्स भी बनाना, यहाँ से आप आइएगा, ठीक है। ये थोड़ा हिस्सा क्या होगा, यहाँ से ऊपर होता है हमेशा, ये वाला हिस्सा ऊपर होता है, देखो ये एनाटॉमी आपको पढ़ना होगा, एनाटॉमी नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे, अच्छी चीज नहीं बना पाएंगे, जी सर। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक रखो, बीच में थोड़ा अपन गैप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करते हैं इस वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ो यहाँ से, और ठीक है यहाँ से यहाँ तक आओ, ठीक है, क्योंकि अपने इसका मिडिल पार्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे चलाओ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इतने को ये वाला गैप दे देते हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अपन क्या करते हैं, अब इनको दोनों को सिलेक्ट कराओ, ज्वाइन कर देते हैं, इस वाले ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर लो, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या करना है, इनको स्मूथ कराओ, क्या करना है अपने को, इसको सही करना है, सर इसका कुछ ऐसा है कि ये बेजियर सिंगल, अगर मैं मुझे सिंगल साइड काम करवाना है बेजियर से, तो अभी क्या है एक साइड हिलाते हैं जी, स्मूथ कर दो, स्मूथ हटा दो, उसका काम कर जाएगा। अच्छा, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, याद करो, दो तीन दिन पहले भी पूछा था आपने ये। हाँ सर, मुझे कल भी यही दिक्कत आई थी वैसे। अच्छा, कल मैं बना रहा था ना, कल भी यही प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, मतलब वो दोनों साइड का बराबर ले रहा है, ये देखो है ना, दोनों टेंजेंट करता हूँ, और यहाँ पे दो इस स्मूथनेस को हटा देता हूँ, बट अभी भी देखो स्मूथनेस है बराबर,
बट अब अगर आप इसको हटाना चाहते हो ना तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अब इसमें क्या है, अपने को एक क्रॉस सेक्शन बनाना है। ये दो वीडियो जो है, दो लाइंस जो है, इनके बीच में एक क्रॉस सेक्शन आएगा, जिससे आपका लिप्स जब वो भी शुरू है। ओके, तो इसमें क्या है, अब अपने को एक क्रॉस सेक्शन बनाना है। यहाँ पे स्लांट, यहाँ पे स्लांट, कैसा होगा देखो। मिड नोड इसको पकड़ो और अंदर की ओर ले जाओ। ठीक है, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा राउंड ज्यादा जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्लांट कर लीजिएगा, ये स्लांट कर लीजिए। अब क्या करना है देखो, पहले इसको सिलेक्ट कराओ, इसको, ठीक है, फिर इसको वाले को सिलेक्ट कराओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको शेप एडिटर में आ जाते हैं। शेप एडिटर में आने के बाद हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन को ऐड करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन ऐड, ठीक है, इसका सेम डायरेक्शन ला। सर ये पॉइंट दोनों एक साइड में है, आगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, थोड़ा ऊपर निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अमाउंट को रेशियो में लाते हैं। ये अमाउंट आपकी आ गई 1 mm रेशियो में, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गई जी। इसको कर दिया हमने अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब क्या है, दूसरे वाले पॉइंट को पकड़ो। अब पहले नीचे कौन सा रहेगा, ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर दो। दोनों पॉइंट्स को एक साथ डायरेक्शन में डालो, ये डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मूथ कर देंगे अभी हम, ठीक है, अप्लाई कर दिया हमने और कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये बस सेव होने दो इसको राहुल जी। अब देखो इसको, देखो एक बार, आपको कुछ कुछ शेप आने लगी है, देखो यहाँ पे, बस अब क्या है अपने, हाँ, अब अपने को यहाँ से स्मूथ कर देंगे, इनको स्मूथ कर देंगे, अपने आप शेप बन गई आपकी, वो लिप्स आपके बन गए, चाहे फ्रंट हो चाहे साइड हो, ठीक है जी। शेप को बनाने का जब तरीका ना, वो यही है, आप एक बार में नहीं बना सकते, आपको बार बार वेक्टर बना के तभी आपको वो क्या करने पड़ेंगे, इसको स्कल्प्ट करके ऊपर करना पड़ेगा, समझे। ओके, देखो मेरे को 1 घंटे में, जैसे जैसे बीच में कट आ जाते हैं सर, इसको भी ब्रश से उठाना पड़ेगा। कौन सा कट आ गया, ये वाला नहीं, ऊपर ऊपर, ये वाला, ये वाला, हाँ 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 जी, हाँ जी, तो मैं स्मूथ करूंगा ना मेरे भाई, अभी इसमें मिला हुआ, इसको अब मिलाना ही अपने को, ये तो अपने को मिलाना है इस तरीके से। नहीं सर, जो वाई एक्सिस में आ रहा है ये जो अभी नीचे नीचे वाला, हाँ ये, हाँ जी, हाँ जी, ये भी अभी इसके लिए भी अपने लिप्स को क्या है, बिल्कुल लेवल में होता है ना, ये देखो कर दिया लेवल में जी। हम, ये वाला बीच वाला तो चाहिए मुझे, इसीलिए तो हमने अलग अलग बनाया था ये,
ठीक है, अब हाँ इसका जी थोड़ा छोटा कराओ, ठीक है, अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है, ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, नहीं तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा आपका। ओके सर। बहुत जीव रस चला रहेगा, जीव रस हाँ सर चलाए, इसीलिए तो कह रहा था सर मैं वो पेन टैब इस पे भी यूज कर सकते हैं ना कर हम सकते हो, अपना। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर जी ब्रश पे हाथ क्लियर है आपका तो आप इसमें यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा यहां से स्मूथ कर देते हैं। धीरे धीरे मर्ज हो जाता है ना भाई, अपने जी लिए धीरे धीरे जाते खत्म हो जाते हैं। ये चलाया हमने एक बार, ठीक है, अब इसको एक बार और चलाओ यहाँ पे, इसको धीरे धीरे आगे चलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इसको और चलाओ, अब इसको ना ऊपर से नीचे की ओर ऐसे चला रहे हैं हम, यहां से ये वाला टॉप जी में आओ एक बार, देखो बनी है ना वही चीज, ये वाली जी डेप्थ आती है ना हमारे नाक के और लिप्स के बीच में, जी सर ये धीरे धीरे इसमें जाके खत्म हो जाता है हमारा, ऐसा ही यहां पे होगा, ये इसमें बिल्कुल लिप्स में मर्ज हो जाएगा। ब्रश को छोटा कर लो, अब इसको नीचे की ओर खींच रहा हूं मैं, ठीक है ना, जी नीचे की ओर खींचने से क्या होगा, आपके चिन वाला जो जॉ वाला पार्ट है उसमें मिक्स हो जाएगा ये। जी सर अब देखो आया, जी ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है मेरे भाई, ये वाला हिस्सा बनता है, इसको सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं आपका 8 AM, ठीक है, ये हिस्सा हुआ। अब मान लो इतना अपना बन गया, इसमें इतना ही ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, अब क्या है, ये सबसे पहले अब इसमें कौन सा जी निकलेगा, अब इसमें इतना ये वाला हिस्सा निकलेगा, ये वाला यहां तक आएगा, ये पूरा जाएगा आपका, ठीक, नीचे एक और भी है, जी अभी तो क्या है, देखो हम एक ही क्रॉस सेक्शन यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो ज्यादा क्रॉस सेक्शन भी यूज कर सकते हो, ये वाले ग्रेवी वाले ना अभी बनाते हैं अपन, मतलब जो हमने अभी जितने क्रॉस सेक्शन बनाने इनको मिक्सअप करते हैं अभी इनको दोनों को, तो कैसा क्वालिटी आता है वो देखते हैं।
ठीक है, अब इनको ज्वाइंट कर लेते हैं और यूज कर देते हैं। अब इनको स्मूथ कर लेते हैं हम। सर इसमें जो मैंने पूछा था ना आपसे, सिलेक्शन वाला, जैसे नोट सिलेक्ट हो रहे हैं हाँ वो ना, अभी जैसे सिलेक्टेड है और मैं लेफ्ट से राइट को सिलेक्ट कर दूंगा तो वो नीचे वाला भी तब हो जाएगा, वो राइट से लेफ्ट को करेंगे तो नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ वो मैं कल भी करा मैंने, मैंने कि अब मैंने एक सिलेक्ट किया था तो हाँ दूसरा भी हो रहा था उसके साथ, फिर अच्छा, मैंने राइट से किया तो नहीं हुआ, फिर मैंने देखा ऐसे करके। करते तो नहीं होता, ऐसे करते तो हो जाता है। हाँ जी हाँ, आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, 3D व्यू में आ जाओ और 2D रियल शीट में आ जाओ, ठीक है। आने के बाद अब क्या करना है अपने को, दोनों का डायरेक्शन एक साइड कर दो पहले, तो ये कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं पे भी कर लो। अब अपने पास एक क्रॉस सेक्शन जो बनाया है, अपन इसको ऐड करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाले को ऐड करना चाहता हूँ, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, इस वाले को ऐड करना चाहता हूँ, तो दूसरे नंबर पे मैंने ये वाला ऐड कर दिया। तो ये देखो अपने आप आपस में मिक्स हो गए, देखो हो गया ना, जी। ये देखो अपने आप चेंज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक अपने आप चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है, हो जी जाने दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट टू हाइट सेट करते हैं, ठीक है, लिमिट टू हाइट सेट कर दी हमने। अच्छा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसको एक दो बार और ऐड करा लो। ये दो नंबर जो है, ये मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो जाए और तीन को यहाँ पे कर दो, तो ये क्या होगा, एक सही रेशियो में आ जाएगा, अब आपका राउंड शेप में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली चीज नीचे है ना ऑलरेडी, और ये हमने 1 mm दे रखा है, इसको बढ़ाओ आप, इसको 5 कर दिया हमने, ठीक है। बट नीचे वाला हिस्सा तो देखो अभी भी नहीं दिख रहा मुझे, देख रहे हो ना, जी ये वाला नहीं दिख रहा। तो अब क्या करें, ठीक है, जी कोई दिक्कत नहीं है, इसका रखो और इसको इसके ऊपर ही रखना है एग्जैक्टली में अपने को, ठीक है। तो अगर अपन इसको ऐड कर दें यहाँ पे, इस वाले को ऐड कर देते हैं इसमें, में तो ये नहीं आ रहा, एड में ये आ रहा है, ठीक है, एड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा है, ये यहाँ पे कटिंग आ रहा है, आपको कटिंग दिखा रहा है, बट ये कटिंग आपको वहां पे दिखेगा क्या, देखते जी हैं एक बार, ये कटिंग यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको उठाना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को चाहिए ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये उठा हुआ होना चाहिए, देन ये डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो स्लांट एरिया ही अपने को यूज करना पड़ेगा, मर्ज हाई कर लिया मैंने। मर्ज हाई करने के बाद इसको हाइट, ये 5 mm इसका ज्यादा जा रहा है, इसको 3 तो कर दूंगा तो भी सही रहेगा, 3 में ही सही दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वो चीज 3 mm में ही आ रही है। हाँ, जी अब इसको अप्लाई कर दो, कैंसिल कर देते हैं। अब अपने पास क्या सॉल्यूशन है इसका, देखो सॉल्यूशन यहाँ यहाँ पे फेड रिलीफ है आपका, बट ये तो अपने को जी उठानी पड़ेगा, ये कितना है एक्चुअली, तो 10 में भी नहीं आ रहा है वो, ठीक है, गड़बड़ कर दी हमने, गड़बड़ क्या कर दी, इसका जो फेस है ना, यहाँ से अपने को आगे की ओर खोलता हुआ लेके जाना था, जितना इसका खुला हुआ हिस्सा आएगा ना, उतना बेस्ट लुक आ जाएगा आपका। और एक काम करे तो, एक इसका एक काम और भी तो कर सकते हैं ना, ये इतना रहता है ना, यहाँ पे आओ, ये नंबर 1 ही तो है ना, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और सेक्शन और बना, आओ
अब क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और टू रेल स्वेप ले लेते हैं। टू रेल स्वेप लेने के बाद क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट कर दिए, दोनों का डायरेक्शन एक कर लो, इसको मर्ज तो कर देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। उसकी हाइट देखो, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड में भी नहीं ले रहे, वहां से मर्ज आई है, ये तो क्या कर रहा हूँ, इसको नई लेयर लो, ये नई लेयर ले ली, ठीक है आ गया ना, देखो वो चीज नई लेयर ले ली। अब इसको क्या कराओ, थोड़ा सा उठा लो, 2 mm के समथिंग उठा लो इसको, ये 2 mm हमने उठा लिया, ठीक है अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब क्या करना है अपने को, वही अब अपने को 100% स्मूथनेस उठाओ और यहाँ पे क्या कराओ, इसको स्मूथ करा लो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे छप जाएगा ना, तो ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी अपने को, ठीक है इसको थोड़ा सा स्मूथनेस कर लो इनको, अभी मर्ज करेंगे इनको, तब मर्ज करने के बाद भी हो जाएगा ये आपका, पहले तो इसको कर लो, ये तो इसमें मर्ज हो गया देखो, ठीक है थोड़ा सा और करने का यहाँ पे, तो और थोड़ा सा स्मूथनेस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, ठीक है ना जी, मर्ज कर देंगे तो बिल्कुल लेवल में हो जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है इसको और इसको इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो इसका हिस्सा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस यहाँ पे आपका ये वाला चीज को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे हम, तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ना, तो ये देखो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अदरवाइज नॉर्मल, जब हम पूरे को एकदम ज्वाइंट करेंगे तो ये चीज आपका प्रॉपर कवर्ड हो जाएगा, तो ये देखो इस तरीके से निकलेगा, इसको बाकी को अपन करेंगे कल कवर, ठीक है, मतलब हमारा जो मेन चीज था वो फेस था, वो फेस बन के रेडी हो गया, बराबर ना जी सर। आ रही है फेस में लुकनेस, आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है, ठीक है तो इस तरीके से निकलता है अपना ये चीज, ठीक है इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है और अपन कल करेंगे इसको आगे, ओके रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट पोस्ट में मिल जाएगी, अभी लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है सर, ओके थैंक यू।